This is me, Vanna. Welcome and welcome back to my channel, How's Doing Girl. So guys, if you are watching me first time, please take a moment to subscribe my channel first and don't forget to hit the notification bell icon also. So guys, first of all, sorry for not posting any video in past few days. Actually, I was a bit busy क्योंकि मेरे को अपने माइक आना था and right now I am in my mic up. मुझे बहुत सारे दिन हो गया मैं रहते हुए. So आज मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए vlogging shoot करी जाए क्योंकि आज है 1st April and आज मेरे मम्मी पापा का birthday है. Yes, मम्मी एंड पापा दोनों का birthday साथ ही आता है. So आज हम वो celebrate करेंगे. मैं आपको दिखाऊंगी किस किस तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और क्या क्या चीज़ें हमने बनाई हैं. एंड ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन नहीं है बट जितना भी है वही मैं आज आपको दिखाऊंगी, थोड़ी थोड़ी क्लिप्स दिखाऊंगी. तो आई होप आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगे. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा एंड अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा. सो गाइस, पहले मैं आपको बता दूं मेरा माइके कोटद्वार है एंड मैं मेरठ से यहाँ कोटद्वार आई हूँ एंड आई लव लव कोटद्वार. यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड माइके में आने के बाद तो हर लड़की को अच्छा लगता है. एज़ यू कैन सी माई गाल फुले फुले गाल हो चुके हैं काफ़ी. सो यस, चलिए देखते हैं मैंने आज क्या क्या शूट करा है. ओके, सो गाइस, मॉर्निंग हो चुकी है एंड टाइम है पूजा का. पंडित जी बस थोड़ी देर में आने वाले हैं. मम्मी पापा नहा धो के रेडी हो रहे हैं. पूजा की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है एंड पूजा के लिए जो पकौड़े बनाने होते हैं वो मैं बनाऊंगी. सो चलो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बनाते हैं उत्तराखंड के फेमस दाल पकौड़े. एंड आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी पूजा होती है, शादी होती है, ना मम्मी वाले पकौड़े जरूर बनाते हैं. सो चलिए देखते हैं. दाल पकौड़े बनाने के लिए हमें उड़द दाल को ओवरनाइट सोक करना पड़ता है. तो यहाँ पे दाल सोक हो चुकी है. नाउ मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी ब्लेंडर में. सो अच्छे से आपको इसको ब्लेंड करना है. हल्का हल्का पानी भी आप डाल सकते हैं. सो कुछ इस तरीके का पेस्ट आपको मिलेगा एंड बस मैं इसको पेस्ट को मैं बोल में निकाल दूँगी. एंड बस मेरा ऑयल गर्म हो रहा है, ये पेस्ट है. हल्के हल्के हाथों में पानी लेके इसके छोटे छोटे पकौड़े जैसे हम बनाएंगे. एंड यस, आपको बस इसको तलना है. ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं एंड हमारे मेन जो ओकेज़न होते हैं इसके बिना ओकेज़न होता ही नहीं है. भगवान जी को ये वाला भोग लगता ही लगता है. एंड बहुत सारे तरीके होते हैं इसको बनाने के लिए. कोई इसमें होल करके बनाता है, बहुत सारे वेज होते हैं बनाने के, बट हम लोग कुछ इसी तरीके से बनाते हैं. एंड आई एम रियली रियली फील ग्लैड कि मैं इनके बर्थडे में यहाँ पे हूँ एंड मुझे मौका मिल रहा है कि मैं पूजा में भी शामिल हो जाऊँ और ये सारी चीज़ें मैं कर पाऊँ, क्योंकि मम्मी पापा को खुश रखना हर किसी को पसंद होता है, राइट. सो यस, यहाँ पे ये पकौड़े बन रहे हैं एंड काफ़ी टेस्टी बनते हैं पकौड़े. ये वाले पकौड़े भगवान जी में चढ़ते हैं या 7, 9 और 11. सो बस उसी तरीके से मैं इनको बनाते चले जाऊँगी एंड पकौड़ा इज ऑल रेडी हेयर. नाउ यू कैन सी हाउ डिलीशियस इट इज. सो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है. पूजा की तैयारी. मम्मी दा देखो पवित्र पवित्र विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्वदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. ध्यान मूलं गुरु मूर्ति इधर देखो. हेलो, क्या कर रहे हो आप? पकौड़े बना रहे. किसके पकौड़े बना रहे? आलू के, फिर प्याज बनाऊंगी, उड़द की बनाऊंगी. ठीक, हैप्पी बर्थडे. थैंक यू.
गुड इवनिंग गाइस। सो दिन में आफ्टर पूजा हम लोगों ने खाना पीना खाया, कुछ मेहमान हम लोग के घर पे आ गए थे। सॉरी मैं वो शूट नहीं कर पाई, मैं भूल गई थी कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे अभी हैबिट नहीं पड़ी है। सो चलिए अब मैं बस रेडी होना है क्योंकि काफ़ी देर हो गई, इट्स ऑलमोस्ट 7 PM एंड हमें जिस जाना था तो थोड़ा बहुत लेट हो गया। केक भी लेना है एंड आज बहुत ज़्यादा रश है बिकॉज आज नेक्स्ट डे नवरात्र है, तो आज बहुत ज़्यादा रश मिलेगा मार्केट में। तो चलो सीधे मैं मिलती हूँ आपको कार के अंदर। झंडा चौक ऊपर है झंडा चौक के मेन काम है, यहाँ मिल जाएगा भी, अंदर भी मिल जाएगा, अंदर वाली बेकरी में भी मिल जाएगा। यहाँ से जो ऊपर की जाती है हनुमान मंदिर से पहले नहीं जाती, ये उल्टे हाथ पे। माय गॉड तो चलना चल तो मेरे को ले, ऐसी ले ले। अब मम्मी को ले, चलो बच्चे कहाँ गए, चलो आओ मम्मी। क्या बोलूं जाना ऊपर, चलो मम्मी मिशी हेलो कर, मिशी तेरे चैनल का नेम कहाँ गया प्रणव, प्रणव आ गया पापा, पापा मैडम और पधारे दीजा जी, चलो बना रही हूँ बस अभी तो। हाँ जी हाँ हो गया लगा, ये मैं भी ले लेती हूँ इसको, अच्छा लगा ना, अच्छा लगा ना, जय करो जय करो। और तूने मौसा जी के भी नहीं करे थे, मौसा जी के भी करो, मौसा जी के भी नहीं छुए। Oh, God.